अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अगर इस कुल्हाड़ी में से इस अलमारी का ताला तोड़ के मैं सबूत बाहर निकालती हूँ तो वो ताला तोड़ने का निशान रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, फिर तो किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा कि मैंने जानबूझ के ये ताला तोड़ा है और वो सबूत बाहर निकाला है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लगे कि कोई हादसा हुआ है और सारे सबूत बर्बाद हो गए। हाँ, कैलाश भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। केती, हम समझ नहीं पा रहे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। उस अलमारी की सिर्फ एक चाबी, वो भी हमारे पास। कालिंदी किसी भी हाल में उन सबूतों तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं माँ, हमें कभी भी दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी चलना होगा, इससे पहले सारे सबूत जलकर राख हो जाए। चलिए। सब खत्म हो गया माँ, सारे सबूत जलकर राख हो गए। अब वरदान जी को निर्दोष कैसे साबित करेंगे माँ? हम क्या करेंगे? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे और मैं मान लूंगा कि सारे सबूत जल के राख हो गए? मैंने अपना भाई खोया है केतकी, और तुम उसकी मौत का ऐसे खेल बना रही हो? केतकी सच कह रही है आकाश, वो सबूत खुद अपने हाथों से हमने अलमारी में छुपाए थे। और तुम भी सोचो ना आकाश,
अगर हमारी बात झूठ है तो फिर गौरव के एक पैर में वो निशान कहाँ से आया? और उसके जूते में वो छेद वो क्यों है? मुझे कभी वरदान की माँ पर भरोसा करने नहीं चाहिए था। मतलब वो सब नाटक था। केतकी से नफरत करना, उसके खिलाफ होना, वो सब एक नाटक था। वो सब मुझे नहीं पता केतकी, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने मुझसे मोहलत मांगी थी 48 घंटे की वरदान की बेगुनाही के सबूत लाने की, जो तुम नहीं कर पाई। और जहां से मैं देख रहा हूं ना, मुझे तो लग रहा है तुम जानबूझकर वरदान के अपराध पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। आकाश, वरदान को फांसी से बचाने का एक लौता सबूत तो मेरे पास ही है केतकी। कर लो, पूरी कोशिश कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। आकाश, आकाश, हमारी बात का विश्वास करो, वरदान जी निर्दोष है। इसका फैसला कोर्ट करेगा केतकी। आकाश, अब हम क्या करेंगे केतकी? अब सिर्फ राम जी का आसरा है। हमें कुछ भी करके कुछ ऐसा करना होगा कि वरदान जी की मेहमान अपना अपराध स्वीकार कर ले और हम उसी को वरदान जी की बेगुनाही का सबूत बना सके। एक माँ अपने बच्चे का जीवन दान मांग रही भगवान, इस बार हमारे प्रयास को असफल मत होने देना। एक मिनट, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अपनी औकात में रहो। हो कौन तुम? हाँ, 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर हो तुम। मैं पहले ही तुम्हें 1,00,000 रुपए दे चुकी हूँ और जब गवाही दे देगा ना तो और 1,00,000 रुपए दे दूंगी, और तब तक मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। सब कुछ, सारी मेहनत मैंने अकेले की। गौरव को रास्ते से हटाया मैंने, सारे सबूत ठिकाने लगाए मैंने, केतकी का सबूत गायब किया मैंने, और अब ये ड्राइवर मुझे बताएगा कि क्या करना है। सच कह रही हूँ, ज्यादा चू चपड़ की ना तो अगला हार्ट अटैक इसे ही आएगा। ये क्या हुआ? इसे भी क्या हुआ? स्विच, इस वाले का स्विच कहाँ है? ये टीवी, ये लैंप, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान, ये अचानक से बंद चालू क्यों हो रहा है? रिमोट कहाँ है? शरीर को तो मार दिया तुमने, लेकिन आत्मा सदा के लिए रहती है। नहीं लेता, मैं वापस नहीं जाऊंगा कालिंदी।
नहीं नहीं नहीं, भूत 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 थोड़ी कुछ होता है, मेरा ही वहम है। नहीं पता कि यह तरीका सही है या नहीं, लेकिन वरदान जी की मेहमान से हम उसका अपराध स्वीकार करवा के रहेंगे। और एक बार ऐसा हो गया ना मां, तो वरदान जी को हमें घर वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।